थोड़ा सा कलाम को पकड़ के आप उसके हिसाब से सेटिंग कीजिए। मेरा शेर कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए इस हिसाब से देखिए कितना इस हिसाब से सेटिंग कीजिए ताकि उसका जो भार है लोग बर्दाश्त कर पाए। पढ़े ना एक बार बड़ा पूरा मुझका दोनों हाथों बजा में उठाकर बोले यार रसूल अल्लाह और बदमाश से बोले यार रसूल अल्लाह। शेर आप याद करके ले जाए आप बताओ की सबसे बड़ी बुरी ये है कि कलाम को आप याद करने की कोशिश करें और कसम खुदा की इंसान हंसता नहीं कि शेर आप याद करने के तौर पर काम आएंगे। कितने दिलों को हरे हुए हैं हरे हुए हैं हरे हुए हैं दोनों हाथों को ना जा पा रहे हैं। एक शेर आपकी दिल की तकती पर नोट हो जा करता है ये बात सरस्वती के लिए सदा बदल होनी चाहिए।
हिम्मत तो नहीं गया, हिम्मत देखे पहले मशहूर होने के लिए ना पहले इस्लाम की गुस्ताखी करता रहा, मजहब पर है नहीं अगुस्तरी करता रहा। अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने मेरे आका की शान की गुस्ताखी कर दी। लेकिन उसने जिसके दिल में शर्म सरकार की मोहब्बत और कृपा पहुंच गई बेटा भैया दोनों हाथ को फजा में उठा कर बोल रहे हैं रसूलुल्लाह हक पाए या कोई। बहुत बड़ा शेर पढ़ना अगर आपने याद नहीं किया तो पछताएंगे आप। याद कर लीजिए शेर का, इस शेर का, इस शेर की जरूरत है। सबक सुने हक पाए या कोई या कोई या कोई या कोई या कोई या कोई कि मुझको किसी मजहब से कोई पैर नहीं है, मुझको किसी मजहब से कोई पैर नहीं है। यह है शब्द खाने का शेर कि मुझको किसी मजहब से कोई पैर नहीं है, मुझको किसी मजहब से कोई पैर बहुत बड़ा शेर जिसकी ये हिम्मत हो गई, कि उसने कुरान पाक पर उंगली उठा दी। लेकिन एक शेर सुनना मोहब्बत से बोले यार रसूलुल्लाह, एक ईमान है जिसकी कोई ताकत है सुनिए। हक हक कोई सुन्नियों का ईमान क्या है, हक हक कोई या कोई या कोई या कोई या कोई या कोई या कोई
अल्लाह को बता पूरी हिम्मत के साथ पूरी जुर्रत के साथ इस शेर को पढ़ रहा हूँ, एक मुतालबा कर रहा हूँ हुकूमत से कि नामूस इस्लाम है इस्लाम करेगा।